नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। एक और सेना जहां देश के दुश्मनों से लोहा लेकर देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर सेना की 9वीं स्वतंत्रता पर्वतीय वाहिनी और 13 जम्मू कश्मीर राइफल ने चमोली के दूरदर्श गांव की देखभाल में स्वतंत्रता कैंप लगाकर यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कैंप में पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि ये सेना की एक अच्छी पहल है। कितने दूर दराज गांव में आकर सेना लोगों की सेवा कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम इस क्षेत्र के लोगों को मीलों दूर चलकर भी ये सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। कैंप में आर्मी की माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से फिजिशियन, डेंटल सहित कई अन्य डॉक्टर मौजूद थे। सेना द्वारा किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक व अन्य इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के गुर भी ग्रामीणों को बताए गए, जिससे कि आपातकाल में किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके। देखिए आप लोग दो देखिए बहुत बात करे भाई पाँच रहे इसको भाई को ना ना कोई दिक्कत नहीं आप हमें यहाँ पर दवाई आर्मी वालों ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है और हमें यहाँ पर दवाई की सुविधा मिली है। हमें नहीं तो दूर दराज जाना पड़ता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ पर हर दवाई मिल रही है। छोटे बच्चों के लिए दांत भी तोड़वाए जा रहे हैं, दांतों की दवाई मिल रही है। क्षेत्र में आकर के जो लोगों के दुख दर्द हैं उनको यहाँ पर समझा है, परखा है। और आज जो यहाँ पर कैंप लगाया है, जो मेडिकल जो कैंप लगा हुआ है, विशेषकर महिलाओं की जो सुविधा हो रही है उसके लिए हम सभी इधर के जो क्षेत्रवासी हैं वो धन्यवाद करते हैं। और जो लोगों को दूर जाना पड़ता है जो मेडिकल सुविधा के लिए गोपेश्वर इत्यादि इन जगह जाना पड़ता है, वहाँ पर भी जाकर के डॉक्टरों की अगर सुविधा नहीं है, यहाँ पर आकर के उन्होंने घर पर जाकर के लोगों को सुविधा दी है। दूसरी तरफ सीमा में वो देश की रक्षा करें, दूसरी तरफ गांव में आकर के गांव की महिलाओं की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हम आर्मी का धन्यवाद ज्ञापन करें।